गेम्स खेलना हर किसी को पसंद है, लेकिन अपने पीसी की औकात को मद्देनजर रखते हुए गेम्स को ढूंढना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। मगर क्यों? क्योंकि यार हमारा पीसी बहुत ज्यादा पुराना होता है और उसमें गेम्स तगड़ी तगड़ी नहीं चल पाती लाइक GTA GTA 4, लेकिन हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि यार कौन सा गेम हमारे पीसी में चलेगा। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे गेम्स जो कि बहुत ही ज्यादा लो एंड पीसी के लिए बनी हुई है, और इन गेम्स की क्वालिटी पे मत जाना क्योंकि इनकी क्वालिटी और ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है। इन गेम्स को मैंने पर्सनली खेला हुआ है तो इनकी ग्राफिक्स क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। इनमें खेलने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे मिशन मिल जाते हैं, बहुत सारी शूटिंग्स मिल जाती है, बहुत सारी मिस्ट्रीज मिल जाती है, और इन गेम्स में खेलने में भाई बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर और देखते हैं मैंने कौन कौन सी टॉप 5 गेम्स के बारे में बात करी है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अब जो टॉप 5 पे जो गेम का नाम आ रहा है उसका नाम है एशियन क्रीट ब्लैक फ्लैग 4। अब ये जो गेम है ना, ये गेम एक पायलट बेस पे है, मतलब मेरे को इतना ढंग से नहीं पता, लेकिन ये जो गेम है इसमें आपको पायलट होते हो आप, इसमें आप अपनी जो शिप होती है उसको चला सकते हो और इसमें फाइटिंग मिल जाती है, शूटिंग मिल जाती है, इवन बहुत सारे मिशंस मिल जाते हैं जो कि आपको पूरा करना पड़ता है। ये गेम मैंने 2 साल पहले खेली और ये लिटरली इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके पास एक 4GB और एक डुअल कोर प्रोसेसर है तो ये लिटरली आपके लिए ही बना हुआ है गेम, और इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी मेरे को एट द एंड बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इसको खेलने में भी मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यार आपको एक बार स्ट्राइक करना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉप 4 गेम की तरफ। टॉप 4 गेम का नाम आता है हमारा Far Cry 3। देखो यार, फार क्राय एक एक्शन एडवेंचर से भरी पड़ी हुई है गेम है, और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें ना आपको एक बहुत ही बड़ा आइलैंड मिल जाता है जिसमें आपको बहुत सारे मिशंस मिल जाते हैं। एक्चुअली इस गेम में होता क्या है, इस गेम में बहुत सारे लोग समर वेकेशंस बनाने के लिए अपने घूमने के लिए आते हैं पूरा ग्रुप, एंड वो बिछड़ जाते हैं किसी की वजह से और उनको पकड़ लिया जाता है बहुत सारे अटैकर्स से, और तब आपको क्या करना है, आपका करेक्टर सारे के सारे अपने फ्रेंड्स को ढूंढेगा और उनको बचाएगा, उनकी जान को बचाएगा, एंड एट द एंड जो क्रिमिनल होगा, इसमें जो क्राइम कर रहा होगा उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी एट द एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको एक एडवेंचर फीलिंग आ जाती है गेम खेलने की, और इसमें आपको शूटिंग, बंजी जंपिंग और कार ड्राइविंग सारी चीज़ें मिल जाती है एक ही गेम में। अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ तो ये एक तरीके से ओपन वर्ल्ड गेम है जिसको खेलने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यार आपको ये ट्राई करना चाहिए। इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम में आ रही है जो कि इस स्पेक्स में आराम से ये गेम हैंडल कर लेगा आपका पीसी, तो यार आपको ये ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। तब तक के लिए बढ़ते हैं अपने टॉप 3 गेम की तरफ। टॉप 3 गेम का नाम है Tomb Raider 2। ये गेम बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लेवल की है क्योंकि इसमें अगर आपको मिस्ट्रीज करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये गेम लिटरली आपके लिए ही बनी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको मिस्ट्रीज मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि आपको इसमें करनी होती है। और लिटरली जब मैंने इसको पहली बार इस गेम को खेला था तो ये थोड़ा सा फनी इंटरफेस था इसका, जब आप इस गेम को खेलोगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों फनी है ये गेम थोड़ी सी, लेकिन इसमें जो मिस्ट्रीज मिल जाती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और इसमें आपको एडवेंचर करने के लिए तो ऑब्वियसली मिल ही जाता है, और ओपन वर्ल्ड तो ये क्या ही बोलूँ। तो इस गेम को आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, ये टॉम राइडर 2 है और सिस्टम रिक्वायरमेंट आपके स्क्रीन पे आ रही है। अच्छा, टॉप 2 पे जो गेम का नाम आ रहा है उसका नाम है Mafia 2। अब माफिया 2 ना एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गेम है। देखो जैसा आपका इसका नाम है उस हिसाब से तो इसका गेम भी है, मतलब पूरा का पूरा नाम पे गया है Mafia 2। इसमें आपका करेक्टर एक माफिया होता है जिसमें एक गैंगस्टर माफिया टाइप की फीलिंग्स आती है, और इसमें आपकी वो शूटिंग्स बहुत सारी मिल जाती है जिसमें आप बिल्कुल एक गैंगस्टर होते हो, और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको गेम खेलने में। इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इस गेम को खेलने में ना एक तरीके से 90s की याद आ जाती है क्योंकि ये मतलब 90s पे ही है। तो अगर आपको ये ट्राई करनी है गेम तो यार आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हो, और इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपकी आ रही है जो कि आप देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने टॉप 1 गेम की तरफ। अब जो टॉप 1 पे गेम का नाम आ रहा है उसका नाम है स्लीपिंग डॉग्स। अब स्लीपिंग डॉग्स को मैंने यार टॉप पे इसलिए रखा है क्योंकि यार इसकी ना ग्राफिक्स क्वालिटी एट द एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो भी बहुत कम स्पेक्स में। इवन अगर आपके पास एक 2GB रैम वाला सिस्टम भी है तो उसमें भी ईजिली चल जाता है। तो इसमें आप एक करेक्टर हो जिसको शाओलिन मार्शल आर्ट्स टाइप की चीज़ें आती है, मतलब कुंग फू कराटे वगैरह चीज़ें आती है, और इसमें वो सारे के सारे स्किल्स करता है। और ये गेम में ना शूटिंग तो नहीं है मेरे ख्याल से ज़्यादा इतनी, बट इसमें जो फाइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है, और फाइटिंग करने में लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को क्योंकि यार इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी एट दिस सिस्टम रिक्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यार आपको ये बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, और अगर बताने यार आपको ये कैसे लगती है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी, तो आप बताना इसको कैसे लगी है। तो ये थी हमारी टॉप 5 गेम्स। अगर आपको पसंद आती है तो यार इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार, वीडियोज़ नहीं डाला था कुछ रीज़न्स की वजह से, बट यार मैं डालने लग गया हूँ दोबारा से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, खत्म।